हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वैसे मनाली चेक करने कि रोड की कंडीशन क्या है। तो आज आपको सब दिखाएंगे, कुल्लू की कंडीशन क्या है। अपनी बाइक की हालत भी बहुत ख़राब है, मतलब वैसे नहीं, ऐसे यहाँ पर धूल मिट्टी। हाँ, तो भाई की हालत ऐसे भी ख़राब ही होगी, क्योंकि मनाली तक जो हाईवे है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, जगह जगह स्लाइड हुई हुई है। तो क्या भाई लंबा जाम, वो ऊपर देख रहे हो आप, वो ऊपर ऊपर वहाँ पे, वहाँ भी भाई वहाँ बाद इतना लंबा जाम लगा हुआ है। एक्चुअल में जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज है ना, और सारे ब्रिज कट गए हैं, और जो रोड है वो भी सारा कट गया है। तो एक ही रास्ता है यहाँ पे अगली तरफ, इस तरफ को जाने का, अगर आप देख पा रहे हो वो बता रहे पुलिस वाले ड्यूटी पे। यहाँ पे हमें कम से कम नहीं तो एक घंटा पूरा लग गया। ये अब इकलौता रोड बचा है मनाली के लिए, सारा ट्रैफिक अभी बंद हो गए भाई साहब, और ये रोड चेक करेगा। ट्रैफिक कब रोकेंगे? रोका था? कितने घंटे के लिए? आधे घंटे का क्या है? तो ये हम पहुंच चुके हैं जंगलों की वादियों से होते हुए मनाली की तरफ। भाई बर्फ भी काफ़ी है, बर्फ काफ़ी सारा है, क्योंकि मनाली में कंडीशन ठीक नहीं है, तो वापस आना बनता भाई। कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले वापिस आ सके, क्योंकि फिर उसके बाद डेंजर हो जाता ना, तो यहाँ से गलती तो नहीं करना। हाथी बार भी ग्राम पंचायत गोजरा, हाथी बार भी बहुत जगह स्लाइडिंग मिली, उसको कैमरा नहीं ऑन कर पाया क्योंकि यह ट्रैफिक बहुत है, बहुत हैवी ट्रैफिक है। उस वक्त कैमरा ऑन करना नामुमकिन ही हो गया था, फोन से शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है भाई। ये लो भाई देवभूमि में देवों के दर्शन। आज हम शूट करने निकले बहुत दिनों के बाद, और चलो भगवान के दर्शन भी हुए। लो हम पहुंच गए मनाली, ये रही कंडीशन कुछ मनाली की। मनाली जो ब्रिज है वो तो अच्छी खासी हालत में है। ये देख लो भाई, बहुत
लोग इतने डरे होते हैं यहाँ पे मनाली के लोग, डरे भी कैसे नहीं। यहाँ देखो भाई हालत, देखो भाई इस रोड में एक टाइम बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी, आज देखो एक नाका ही बना है। ये देखो भाई इस साइड से यहाँ भी हो चुका है, मनाली से कुल्लू तक हो चुका है। देखो एक बार भाई, चेक करो एक बार, आगे जाना थोड़ा डेंजर है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं अभी। तो सामने वाला पूरा का पूरा NH कट गया, नदी ने अपना सीधा रास्ता यहाँ से निकाला और सीधा रोड को काटते हुए आगे चली गई। तो आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि अब शाम भी होने आई है, इसको हम कल शूट करेंगे दूसरे पार्ट में। ठीक है गाइस, ओके बाय, सी यू।